जय हिंद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि सीमा सुरक्षा बल कांस्टेबल ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023 के बारे में कि यहाँ पर किन कैंडिडेट के एडमिट कार्ड आएंगे और किन के नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ये चेक करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। इसके अलावा गाइज, आपका जो फिजिकल है उसमें क्या क्या होगा उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दी जाएगी। साथ ही गाइज, अगर आप चाहते कि जब आपका एडमिट कार्ड जारी हो तो मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दूं, तो आप उसके लिए कहां पर अपनी जानकारी सेंड करेंगे अगर आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होता है तो वेबसाइट का सर्वर इतना डाउन हो जाता है कि आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते, और फिर कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपना जो फिजिकल है या फिर जो भी टेस्ट है वो मिस कर देते हैं। इसलिए अगर आप चाहेंगे कि मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दूं तो आपको कहां पर जानकारी सेंड करनी है वो आपको इस वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको आपके फॉर्म का स्टेटस चेक करना है कि आपका एडमिट कार्ड आएगा भी या फिर नहीं, एंड फिर आपको यहां पर फिजिकल के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, कोई सवाल डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो गाइज, यहां पर अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, आप यहां पर पूरी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। अभी आप यहां पर आएंगे और आपको बीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम डेट नोटिस ये ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आप यहां पर जान सकते हैं कि इसमें अब आपका जो पहले होगा वो होगा फिजिकल। पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम पहले होना था और उसके बाद में फिजिकल होना था, तो ऐसे में जब आपको पता चला होगा कि यार इसमें पहले आप फिजिकल हो रहा है तो झटका भी लगा होगा, क्योंकि आई होप कुछ कैंडिडेट की जो प्रिपरेशन है फिजिकल की वो अभी नहीं होगी और इतने कम टाइम के अंदर वो आपको प्रिपरेशन करनी होगी। अब इसमें प्रिपरेशन में आपको करना क्या है वो तो आपको बताया जाएगा बाद में, पहले आप ये जान लीजिए कि कैसे आपको आपके फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। तो आप यहां पर जो मैंने हमारी वेबसाइट के ऊपर लिंक दिया है बीएसएफ ट्रेड्समैन डाउनलोड एडमिट कार्ड लिंक, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आप यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड जो आपका पासवर्ड है वो डालेंगे, आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने यहां पर एप्लीकेशन हिस्ट्री का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। आपने अपने इस अकाउंट का इस्तेमाल करके जितने भी फॉर्म भरे हैं और जिस डेट में भरे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आप यहां पर एक्शन के नीचे क्लिक करेंगे और आप यहां से देख पाएंगे कि आपका फॉर्म यहां पर एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है। आप यहां पर जो एप्लीकेशन स्टेटस है इसमें देखेंगे कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो आपको यहां पर अप्रूव्ड देखने को मिलेगा, एंड अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट है तो आपको यहां पर उसका जो रिजेक्शन का रीजन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर यहां पर अप्रूव्ड आ रहा है तो इसका मतलब यह कि आपका एडमिट कार्ड 100% आएगा, कोई भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंजन कैंडिडेट का यहां पर स्टेटस में कुछ प्रॉब्लम है तो आप वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सर ऐसा आ रहा है अब हम क्या करें, तो उसके बारे में मैं अगली इंफॉर्मेशन निकालूंगा कि हाँ अभी भी कोई चांस है इसको सही करने का, तो वो आपको कमेंट के माध्यम से बताया जाएगा। तो आई होप आप यहां पर समझ गए होंगे आपका स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड है या फिर नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि आपने फीस को जमा कर दिया था और जमा करने के बाद भी यहां पर अप्रूव्ड नहीं है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आप यहां पर इस तरह से देखेंगे कि अगर आपका फॉर्म एक्सेप्ट है तो आपको अप्रूव्ड देखने को मिलेगा, एंड अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया है तो आप यहां पर इस तरह से रिजेक्टेड, जिस तरह से आप देख सकते हैं आपको रिजेक्टेड देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो आई होप आपको पता चल गया। अब हम बात करते हैं कि आपके फिजिकल के अंदर क्या क्या होगा। तो गाइज, ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेथड ऑफ सिलेक्शन में पहले आपको कहा था कि आपको फर्स्ट फेज के अंदर रिटन एग्जाम होगा, बट आपको जैसा कि अभी पता चला कि इसमें अब रिटन एग्जाम पहले नहीं बाद में होगा, सेकंड फेज में। तो फर्स्ट फेज में आपका यहां पर जो फिजिकल है वो होने वाला है। अब इसमें क्या क्या रहेगा यहां पर गाइज, अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जो कि एसके बुक्स की है। और एसके बुक्स अगर आपको नहीं पता तो इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है, तो आप इनकी बुक्स के ऊपर बिल्कुल भी संदेह नहीं कर सकते क्योंकि ये बेस्ट क्वालिटी की बुक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इन्होंने आपकी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की बुक जारी कर दी है, जो कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ में इनका प्रैक्टिस पेपर भी आता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये भी आप इंग्लिश और हिंदी के अंदर परचेज
कर पाएंगे। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपको 26 पेपर देखने को मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो अगर आप सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एग्जाम को क्रैक करने के लिए बेस्ट बुक ढूंढ रहे हैं तो ये बुक आपके लिए बेस्ट होने वाली है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से। एंड अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो इस बुक को परचेज करने में या फिर किसी अन्य जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जाइए इस बुक को परचेज कर लीजिए और अपनी तैयारी को और भी स्पीड दे दीजिए। आपकी इसमें रेस होगी जो कि 5 किलोमीटर की रहेगी और 24 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट को काफ़ी प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय है इस प्रिपरेशन को करने का, क्योंकि ये मई के 3rd वीक में होने वाली है। पहले तो आप ये सोच करके बैठे थे कि यार पहले रिटर्न एग्जाम होगा, उसके बाद में टाइम मिलेगा 1-2 महीने का कम से कम, इतने टाइम में तो हम अगर हम प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे फिजिकल की तो वो कर लेंगे। बट अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको इन्हीं जो आगे पास आपके पास 20 से 25 दिन है, इनमें आपको आपकी ये जो रेस है वो तैयार करनी होगी। इतनी हार्ड नहीं होती बट फिर भी प्रिपरेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे कि फीमेल में एक 1.6 यानी कि 1600 मीटर की दौड़ होगी और 8.5 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आपको यहां पर ये कहा कि जो कैंडिडेट यहां पर पीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे उनका यहां पर आइडेंटिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ टेस्टिमोनियल्स, बेसिकली इसमें टेस्टिमोनियल्स के बारे में बात की गई है। बट टेस्टिमोनियल्स आपका यहां पर फिजिकल पहले हो रहा है तो अभी आपका फिजिकल पहले होगा तो ये आपके सभी डॉक्यूमेंट फिजिकल के बाद में चेक किए जाएंगे जैसे ही आप अपनी रेस क्लियर कर लेंगे। हालांकि एलिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ वेट विल बी डन एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ओनली, यानी कि जब आपका अगर वेट सही नहीं पाया जाता तो जब आपका मेडिकल एग्जाम होगा मेडिकल वेट के अकॉर्डिंग आपको वहीं पर निकाला जाएगा मेडिकल एग्जाम में, जो कि आपको फिजिकल पर नहीं निकाला जाएगा अगर आपका वेट सही नहीं पाया जाता। डॉक्यूमेंट में क्या क्या आता है वो भी आप यहां पर जानेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका यहां पर आपको सभी ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो लेकर के जाने हैं, जो भी आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें कि यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपका नेम, इसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि 10वीं या फिर जो अन्य हायर क्वालिफिकेशन है वो, फिर कास्ट सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग ओबीसी सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट ऑफ ओबीसी एससी एसटी, यानी कि सेंट्रल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि स्टेट का नहीं चलेगा। मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट टू बी प्रोवाइड, डेट ऑफ बर्थ यानी कि 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट आपका डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई करेगा, जिसमें कि एज नेम, फादर नेम ये सभी चेक किए जाएंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आपका जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा होना चाहिए। एंड इनके बारे में आपको और भी डिटेल में यहाँ पर इस तरह से जानकारी दी गई है। तो बेसिकली इसमें आपका फिजिकल में क्या होगा वो आपने जाना, ट्रेड टेस्ट फिर आपका बाद में होगा, उसके बारे में आपको टाइम आने पर पता चल जाएगा। एंड काम क्या होते हैं वो तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि कौन से ट्रेड में आपको क्या काम करने होते हैं। बट इसमें जो आपका फिजिकल है, फिजिकल में आपका यही होने वाला है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है। अब गाइज आपके मन में सवाल होगा कि इसमें जो हाइट है और चेस्ट है वो कितनी रहेगी, तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख लीजिए। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर हाइट 165 सेंटीमीटर और जो चेस्ट है वो 75 बिना फुलाई और फुला करके 80 हो जानी चाहिए, और फीमेल में हाइट 155 और चेस्ट का माप फीमेल से नहीं लिया जाएगा। एंड ये जो आपकी हाइट है वो इन जाति को या फिर इनको छोड़कर के है, जैसे कि यहाँ पर जो एसटी कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर हाइट 160 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुलाई 75, फुला करके 80, और जो फीमेल है उनके लिए 148 हाइट रखी गई है। फिर जो यहाँ पर एसटी से है और एलडब्ल्यू या अफेक्टेड कैंडिडेट है तो उनके लिए हाइट कितनी रहेगी और चेस्ट कितनी होगी वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। नॉर्मल कैंडिडेट के लिए हाइट मेल में 165 और फीमेल में 155 रखी गई है। तो आई होप आपने ये जो आपकी हाइट का डिटेल्स है वो भी यहां से जान लिया है। अब आपका पूरा सब कुछ क्लियर हो गया है। अभी बात करते हैं कि अगर आप मेरे द्वारा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना चाहते तो आप क्या करेंगे। तो जो लिंक मैंने आपको हमारी वेबसाइट का ये वाला दे रखा है, इसमें आपको सबसे लास्ट में आना है और कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आप यहां पर आपका नाम लिखेंगे, आपकी ईमेल आईडी देंगे, फोन के अंदर आपको आपका व्हाट्सएप नंबर देना है, क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का पीडीएफ सेंड किया जाएगा और उसके लिए आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। मैसेज के अंदर आपको यहां पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड जो आपका पासवर्ड है वो, और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण लाइन आपको लिखनी है बीएसएफ ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023, ये आपको लिखना है, क्योंकि मेरे पास और भी काफी सारे एग्जाम के एडमिट कार्ड और रिजल्ट ये सब चेक कराने की रिक्वेस्ट आती है। तो अगर आपने ये नहीं लिखा कि किस डिपार्टमेंट की है तो मुझे समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड के साथ में बीएसएफ ट्रेड्समैन एडमिट कार्ड 2023 लिखना है और फिर सबमिट करना है। इसके बाद में ये जानकारी मेरे पास आ जाएगी, फिर मेरे से जितनों का भी हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा बिना किसी चार्ज के। तो अगर आपने जानकारी देख ली है और आपको जानकारी अच्छी लगी है और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।